हम निकले हैं लखनऊ शॉपिंग के लिए और ये है बीबीडी। जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें बता दो, बीबीडी यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद हम आर जायका गए खाना खाने के लिए। शॉपिंग तो आज हो नहीं सकती थी क्योंकि लेट काफ़ी पहुँचे हुए थे, और इससे बेहतर है खाना खाए और वापस जाए घर सोए। और इतना खाना वाना खा के निकले ही थे तो इतना अच्छा व्यू था कि The next day. Hey everyone, welcome back to my new vlog. I hope आप लोग ठीक होंगे और मैं नहीं ठीक हूँ, जो कि मेरी कुछ तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रही थी और कल बहुत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कल लखनऊ आई हुई हूँ और आज जाके अभी थोड़ी देर पहले गई हुई थी डॉक्टर को दिखाने, और दिखा के आई हूँ तो थोड़ा सा दवा खाई तो थोड़ी हिम्मत हुई, तो सोचा चलो ठीक है आज ब्लॉग बनाते हैं। कल मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि ब्लॉग बनाने का, तो कल ही मैं लखनऊ आई हुई थी, रास्ते का कोई ब्लॉग नहीं बन पाया। लेकिन आज जो शॉपिंग करने जाएंगे उसका ब्लॉग बनेगा। तो अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने, इंगेजमेंट का जो कपड़ा है और बाकी जो सामान लेना वो सब। आज शॉपिंग स्टार्ट होगी आज से, और कितने दिन चलेगी वो मुझे भी नहीं पता। तो चलते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे वो आपको आगे बताते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा व्लॉग, जो कि आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगे। डे वन, अब हमारी शॉपिंग स्टार्ट होती है, मेन शॉपिंग आज से है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं कपड़ा लेने, जो मेरा कपड़ा लेना है हजरतगंज में, पहले वहाँ पे चेक करेंगे फिर उसके बाद कहीं और देखेंगे। यहाँ से हमारा प्लान था कि कपड़े चेक करेंगे और लेंगे नहीं, फाइनल नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इतना अच्छा लग गया कि फाइनल करके ही निकले। फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो जनपद गए। गाइस, अभी मैं हम लोग आए हुए थे हजरतगंज में, शॉपिंग करना स्टार्ट हुआ है, पहली शॉपिंग हजरतगंज से स्टार्ट हुई है, जो कि और मेरा कपड़े जो इंगेजमेंट के ड्रेस है वो सेलेक्ट हो गए हैं। और फिर उसके बाद अब आए हुए जनपद, आप फ्री ना पाओ आयशा, आपके दोनों में से किसी का ही कपड़ा है वो लोग देख रहे हैं, तो वो लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, जहाँ भी जाएंगे बने रहिए। मुझे तो अपने ड्रेस से इतना मज़ा आ गया कि एक अलग ही खुशी थी मेरे फेस का। माज मेरा ड्रेस कैसा लग रहा था आपको? इसका मतलब अच्छा। आपको अच्छा लगा? ये हर बच्चे, ये वाला सॉन्ग तो हर बच्चे सुनते हैं। बाकी सब शॉपिंग कर रहे थे अलग साइड में, और ये दोनों अलग साइड में मोबाइल लेके बैठे हुए थे, तो इनको छेड़ने में मज़ा आया था, इतना चेड़ रहे थे। ऐसे सब बच्चों का हार होता है। और आपको बता दें कि माँ साथ में आया, नौशियाँ भी किसी रीज़न की वजह से नहीं आई हैं। कल हम लोग की आधी शॉपिंग हुई, आधी नहीं, मेरी सिर्फ शॉपिंग हुई, बाकी और किसी की शॉपिंग नहीं हुई है। तो यहाँ हजरतगंज में तो आधा काम हो गया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं चौक, चौक जाने से पहले यहाँ पर खाया जा रहा है पानी पूरी खाने के बाद जाएंगे हम लोग चौक। पानी पूरी खाने के बाद हम निकल पड़े नखास की तरफ। किसको डांट पड़ी है? नखास की पहली शॉपिंग, पहला शॉप यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप नखास हैं तो यहाँ इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पे अच्छे कपड़े और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, और ये जस्ट चिड़िया बाज़ार के बगल में ही है। और फिर यहाँ पे मास को भूख लग गई तो उसके जस्ट बगल में नूडल्स था, काफ़ी अच्छा नूडल्स था जो मास को मज़ा आया। फिर उसके दूसरी शॉप पर हम कराची शॉप पर गए, और यहाँ पर संडे का दिन था, काफ़ी रश था, जो कि ऐसे हिलने का। अगर आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप नखास आएँ तो संडे के दिन नहीं आएँ। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे सी शॉप पर, जो शॉप का नाम नहीं पता था। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिला, काफ़ी भीड़ थी, इस वजह से हम लोग गए खाना खाने मुबीन, और फिर उसके बाद हम चले गए घर की तरफ। The next day. यह हमारा दूसरा दिन और दूसरे दिन की शॉपिंग, जो हम सब निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। डे टू, अभी हम लोग जा रहे हैं सहारागंज, सहारागंज में वहाँ से रिंग लेनी है।
आगे हैं आपियां पा, आयशा पी और माज, और इस वाले पे मैं और जारा, पीछे बाजी, उपीदान एंड मुस्तफा। हम आ गए तनिष में रिंग देखने, मैं बाजी पुप्पीजन बाकी लोग निकल पड़े सहारागंज के लिए, वहाँ पे अब्बू लोग के कपड़े देखने थे। और यहाँ तनिष में वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, जो कि एक रिंग अच्छी लगी तो उसको सेलेक्ट करके अलग निकलवा आए हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग भी निकल पड़े सहारागंज की तरफ। इंक फाइव से हमें सैंडल लेनी थी और ये लोग भी अपनी सैंडल पसंद कर रहे थे, तो हम लोग भी पहुंच गए इंक फाइव और वहां से हम लोग देखे। और फिर उसके बाद आसंस में गए, वहां से अबू और नस लोग के कपड़े लिए। कहाँ बैठे हो? अभी यहाँ हम लोग की शॉपिंग हो गई, अभी भी हम लोग सहारा गंज में हैं, तो अबू और अनस ये लोग की शॉपिंग हो गई है। अब बाकी है जारा जो अम्मी और आफ्रिया का, इनका कपड़ा देखना है और मुझे अपनी सैंडल देखनी है, जो मुझे अभी यहाँ पे पसंद नहीं आया, लेकिन अभी जाऊँगी हज़रतगंज, तो हज़रतगंज में देखूँगी। और तभी यहाँ पे भी अम्मी के लिए चप्पल देख रहे हैं बाटा में, तो अगर यहाँ पे पसंद आता है तो यहाँ से लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। सहारागंज की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, निकलते ही साथ ही टॉवेल लैंड दिखा, वहाँ से टॉवेल लिए। और फिर उसके बाद निकल आए तनिष के पर, तनिष से वहाँ पे जो रिंग सेलेक्ट किए हुए थे वो रिंग लिए। और फिर उसके बाद आगे घर की तरफ, घर पे सामान रखे, वापस फिर हज़रतगंज गए। हज़रतगंज में जनपद, तो उससे पहले जनपद जाने से पहले मिल्क शेक दिखा, तो मास को मिल्क शेक पीना था, तो यहाँ से हमने मास के लिए मिल्क शेक लिया। और फिर उसके बाद हम लोग भी आ गए जनपद, जनपद में लेना था सैंडल सबके लिए, तो यहाँ ताज जनपद में एक सेंटर ताज करके है, वहाँ से हमने सैंडल लिया सबके लिए। और फिर उसके बाद आ गए ग्रूम ड्रेस देखने के लिए सूरी। The next day. मैंने भी सोचा है ना, अभी तो इस टाइम पानी फलने आई, लेकिन हाँ मैंने सोचा है कि शॉपिंग अमीनाबाद, हम लोग आए हुए थे अमीनाबाद में, शॉपिंग हो चुकी है जो अभी बिल पे हो रहा है। फिर उसके बाद सोच रही हूँ कि इतना सारा सामान है, उससे पहले मैं बाबू को अपने गोद में ले लूँ और सामान उठाना नहीं पड़ेगा। बाबू तो हल्का है, चल जाएगा, लेकिन सामान बहुत भारी भारी है। कैसी थी मेरी ट्रिक? चलो चलो, सोचे थे कि अब मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन आखिर में आपने पापा को लेना पड़ा, मज़ा आ गया। ना बाबू को लेना पड़ा, ना ही सामान लेना पड़ा, कुछ भी नहीं, ऐसे सिर्फ मेरा पर्स, ये मेरा पर्स और मैं। अमीनाबाद अफसर ज्वेलरी के यहाँ से कुछ सामान लेने थे, वहाँ से सामान लिया। फिर उसके बाद गड़बड़ झाड़ा से चूड़ी, जो कपड़े लिए हुए थे उसके लिए चूड़ी लेनी थी। और फिर यहाँ से चूड़ी वूड़ी लिए और वापस घर की तरफ आके, क्या हुआ मेरा पापा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? आखिर में तुम उठा ली ना बैग, चला कि काम नहीं आई ना। आपको ये ब्लॉग कैसे लगे हो तो नीचे कमेंट में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन